क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट इस्लामियत है, इस्लामियत इलेक्टिव का है, लेक्चर थर्ड। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। सबक नंबर हमारा 2 है, यानी इखलाक तकवा जिक्र। यानी ये तीन पॉइंट है जो आज हम पढ़ेंगे, इखलाक तकवा और जिक्र। सबसे पहले हम इखलाक के बारे में पढ़ते हैं। यानी इखलाक खुलुकों की जमा है, जिसके मानी पक्ता आदतें, खसलतें, अच्छे तरीके वगैरह है। क्या है? पक्ता आदतें, फसलते और अच्छे तरीके वगैरह है, यानी अच्छा बर्ताव करना वगैरह है, ठीक है। यानी इसके इस्लामी मफहूम है, मुख्तलिफ जो है हमारे उलमा किराम उनके नज़दीक इनके इस्लामी मफहूम है। यानी इमाम गज़ाली हैं जो वो अखलाक को यानी उससे मुराद ये लेते हैं जो नफ्स इंसानी में रासिक हो जाती है और अपनी बदौलत से तमाम अफाद बला तामीर आसानी से सादिर रहते हैं। गोया इखलाक वो पक्ता आदात हैं जो इंसान से खुद गौर फिक्र के सरजद होती हैं। इस्लाम में अच्छे अफाल इखलाक कहलाते हैं। यानी इखलाक क्या चीज़ है इसके बारे में है। इस्लाम में इखलाक को बहुत अहमियत हासिल है। यानी वो अच्छे और साफ और तौर तरीके जिन्हें लोग पसंद करते हैं और वो बुरे और साफ और तौर तरीके जिन्हें लोग ना पसंद करते हैं, ठीक है। उनको इखलाके सिया कहते हैं। और इखलाके उसना कौन से हैं? वो अच्छे और साफ और तौर तरीके जिन्हें लोग पसंद करते हैं। यानी इखलाक हमारी आदतें होती हैं, खसलतें होती हैं, जो हम अच्छे काम करते हैं, वो चीज़ें जो उनसे हम अपने दिमाग से जो अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे अच्छे काम सोचते हैं, फिर उनको सर अंजाम देते हैं, वो अच्छे अच्छे तरीके जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे अच्छे इखलाक के ऊपर होते हैं, ठीक है। आगे यानी इसके अब है तफसीली जवाब दें। यानी इसका हमारा जो एक ही सवाल बन रहा है इस टॉपिक का, इखलाक से क्या मुराद है, तफसीलन वजाहत करें। तो हमने किस तरह वजाहत करनी है ये देखें। इखलाक का पूरा पॉइंट जो उनसा अपना इसका जवाब बन रहा है पेज नंबर 21 से यहाँ देखें 22, 23, 24 तक। यानी तफसीलन इसका जवाब हमने देना है कि इखलाक में कौन सी चीज़ें बयान की गई है। खुश इखलाक, महबूब ज़ुबानी, महबूब रुबानी इखलाक और इबादत, भारी अजर यानी इसी के ज़रिए मिलता है, दामी असूल इखलाक यानी हमेशा के लिए अच्छे इखलाक से हमें हमारी दुनिया भी संवरती है और हमारी आदत भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में सच्चा है, ठीक है। कौन है? जो इखलाक में सच्चा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ठीक है। आगे है हमारा तकवा, पॉइंट नंबर 2 है हमारा तकवा। यानी इसका मतलब है लगत में ये अरबी जुबान बका या की से है, यानी जिसके मायने हिफाजत करना, निगरानी करना, डरना, बचना। यानी तकवा का मतलब क्या होता है? परहेजगारी करना, किसी चीज़ से बचना। किससे बचना? यानी हराम चीज़ों से बचना और हलाल चीज़ों को अपनाना, ठीक है। यानी बुरी आदतें जो होती हैं, बुरे तरीके, गुनाह के काम होते हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है, अल्लाह ताला जिसको बुरा जानते हैं, हमारे दीन में जो चीज़ बुरी है, इन चीज़ों से बचना जो उनसा होता है वो तकवा होता है। यानी अपने आप की हिफाजत करना, किससे? बुरी चीज़ों से, बुरे कामों से, बुरे लोगों से हिफाजत करना तकवा कहलाता है, ठीक है। यानी निगरानी करना, खुद की निगरानी करना कि हम अच्छे तरीके पे यानी अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं या बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, इस चीज़ की हिफाजत, खुद की हिफाजत करना। आगे है इसका तफसीली जवाब दें। यानी सवाल नंबर 1 है हमारा तकवा से क्या मुराद है, वजाहत करें, ठीक है। यानी तकवा से क्या मुराद है इसकी वजाहत करनी है। जवाब है सफ़ा नंबर 24 पर, 24 निकाले सफ़ा नंबर 24 पर इसका जवाब है तकवा। यानी यहाँ से आपने यहाँ तक इसका है, ठीक है, 26 तक। यानी वहद ज़रिया है, यहाँ तक जो सा है आपका इसका जवाब बनेगा सफ़र सवाल नंबर 1 का, ठीक है। आगे है सवाल नंबर 2, मुतकीन की सिफात और तकाजे बयान करें। यानी मुतकीन की जो सिफात होती है, सिफ्त होती हैं, और जो इनके तकाजे होते हैं वो हमने बयान करने हैं। तो वो कौन से है? सफ़र नंबर 26 पर है, ईमान बिलगैब। यानी बिलगैब इनको जो ईमान बिलगैब वो दिया जाता है। मुतकीन यानी जो परहेजगार अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, उनको फरिश्तों के बारे में, यूम आखरत के बारे में इल्म होता है, रसूलों के बारे में इल्म होता है, ऐसी ऐसी उन्हें जो उनकी सिफात होती हैं कि उनको इन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला इल्म देता है, गैब का इल्म उनके पास होता है। वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अहद की पाबंदी करते हैं, यानी अपने वादे को नहीं तोड़ते। इस तरह ये पूरा जो उनसे इसके पॉइंट है, जिक्र से ऊपर तक इसका जवाब बनेगा, 28 तक इसका जवाब बनेगा आपके सवाल का, ठीक है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। आगे थर्ड पॉइंट है हमारा जिक्र। यानी जिक्र क्या है? यानी जिक्र के लगभग मायने याद करना, यानी
अल्लाह ताला का जहन पर किसी चीज को दोहराना, किसको दोहराना, अल्लाह ताला की इबादत को, अल्लाह ताला की हदायत दी हुई अच्छी अच्छी बातों को दोहराना, चर्चा, किसका चर्चा करना, यानी इस्लाम का दीन तबलीग, यानी जो चीजें हमारे इस्लाम में उसका चर्चा करना, लोगों को इसका इल्म देना, किसी भूली हुई चीज की याद ताजा करना। कौन सी भूली हुई चीज? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम ने हमें इल्म दिया है वही चीजें है ना, उनकी उनको ताजा इल्म ताजा किया जाए कि किस तरह उन्होंने पिछले यानी गुजरे हुए जमाने में उन्होंने हमें क्या चीजें जो उनसी हैं सिखाई हैं और हमें किस तरह इन पर अमल करना है, उनको दोहराना, ताज़ा उनकी याद करना यानी उनको करना वगैरह अमल करना है। ठीक है, आगे है जिक्र के लघवी मायने और इस्लाही मायने की मुकम्मल वजाहत करें। ठीक है, पेज सफा नंबर 28 से 32 तक है। ये देखें यहाँ से लघवी मायने लगत का ये पूरा जोन सा आपका ये भी पेज जोन सा है, पूरा जोन सा है वो बन रहा है यहाँ शुक्र से उपदर इत्मनाने का कलब, यानी ऐसी चीज़ें ऐसे पॉइंट हैं इसमें। ये देखें इनफरादी जिक्र यानी अकेले में जिक्र करना, इज्तमाही जिक्र यानी इकट्ठे होकर जिक्र करना, जिक्र के फ़ायद समराद यानी दिल की जिंदगी जो अच्छी होती है यानी इसकी मौत की अलामत वगैरह, अल्लाह की दोस्ती इससे होती, बख्शिश का जरिया यानी जिक्र करने के कितने फ़ायदे हैं कि अल्लाह ताला से दोस्ती हो जाती है, बख्शिश का जरिया बनता है, अज़ाब इलाही से हमें निजात मिल जाती है, सूरज जन्नत का जरिया बनता है, दर्जात की बुलंदी होती है, इत्मीनान का लब यानी दिल को हमारे सुकून मिलता है अल्लाह ताला का जिक्र करने से। ठीक है, अल्लाह ताला का जिक्र करने से हमें सुकून मिलता है। ठीक है, आपने ये सारे पॉइंट तीनों जो उनसे अच्छे से इनको याद करना है और अच्छे से ही याद करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अच्छे से।